रेलवे का इंजन जो है अब यहाँ तक पहुँचाया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ सामने की ओर आप देखेंगे ये टनल आएगी और इसके आगे बनी हाउस सेक्शन आएगा, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे पेयर्स ऐसे दिखते होंगे पर ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, लगभग 800 मीटर 900 मीटर 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। काफ़ी देर से आप सभी की मांग थी कि USBRL प्रोजेक्ट पर हमें जाकर अपडेट दें कि USBRL प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अभी मैं खड़ी रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर पूरी तरह से रेलवे का इंजन पहुँचाया है। जी हाँ, यहाँ पर रेलवे का सफलतापूर्वक ट्रेन इंजन दौड़ रहा है और अभी आपको वो भी दिखाते हैं, साथ में आपको यहाँ पर कंप्लीटेशन वर्क दिखाते हैं कि कितना कंप्लीट हुआ है। तो आइए ये देख रहे हैं सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है कश्मीर वाला सेक्शन, यानी कि अगर इस साइड हम जाएं सीधा तो ये कश्मीर वाली साइड आएगी और ये वाली साइड जो है ये जम्मू वाली साइड आएगी, ठीक है। अभी आपको जो दिखा रहा हूँ आगे की ओर, ये आप खड़ी रेलवे स्टेशन देख रहे हैं जहाँ पर जितने भी ट्रैवलर्स आएंगे यहाँ पर रुक सकेंगे। यहाँ पर पूरी तरह से रुकने की व्यवस्था रखी गई है और ये देखिए सिग्नल पॉइंट, ठीक है। अभी ये रेड चल रहा है, ठीक है। इसके और भी कहीं सारे पॉइंट्स अभी ये आप देख रहे हैं और इसमें पूरी तरह से लाइट चल रही है। इसके बाद जो आप सभी के लिए ज़रूरी जानकारी बनती है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये भी आपने सिग्नल पॉइंट देखा। इसके बाद ये देखिए ऊपर इलेक्ट्रिफाइड पोल, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से रेलवे लाइन को यहाँ तक इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। जी हाँ, ये आगे देखिए यहाँ से आगे आएगा सुंबड़ रेलवे स्टेशन, ठीक है, वो भी इसी तरह का है पहाड़ों में। और इसके बाद ये देखिए आगे की ओर रेलवे लाइन, आगे जाकर आपको इंजन दिखाते हैं जो भारतीय रेलवे का यहाँ तक पहुँचा है, जो बहुत ही खूब। अभी आप जो ये वाली साइड देख रहे हैं ये जर्नल साइड रहेगी, यानी कि जो भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आएगी वो यहीं से गुजरेगी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन की लाइन रहेगी और यहाँ पर दो ही पटरी है, ठीक है, एक रेलवे लाइन रुकने के लिए और इसके बाद एक ये डायरेक्ट सुपरफास्ट के लिए रखी जाएगी। ये देखिए आगे रेलवे का इंजन है और ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, अगर चलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सफलतापूर्वक जो ट्रेन का इंजन है उसका ट्रायल चलाया जा रहा है। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, रेलवे का इंजन जो है अब यहाँ तक पहुँचाया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ सामने की ओर आप देखेंगे ये टनल आएगी और इसके आगे बनी हाउस सेक्शन आएगा, ठीक है। और ऊपर पहाड़ों की ओर भी देखिए एक नज़र, ये कितने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं ये, और इन पहाड़ों में रेलवे का पहुँचना बहुत ही खास है। और अभी जो मैं आपको साइड दिखा रहा हूँ ये जम्मू वाली साइड आएगी, थोड़ा आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, उस साइड भी आपको अभी जाकर दिखाते हैं। इससे पहले आप यहाँ की साइड देखिए, यहाँ पर वर्कर्स पटरी पर लगातार काम भी कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर दिसंबर तक पूरी तरह से ट्रेन दौड़ेगी, जो आप सभी के लिए गुड न्यूज़। एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिए, ये भी चलेगा थोड़े टाइम में क्योंकि इसका कुछ ख़राब हो गया इंजन और कुछ वायर्स कट हो गई हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको, ये देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुई है पूरी तरह से वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। और ये देखिए इंजन, तो ठीक आप मेरे पीछे रेलवे का इंजन देख रहे हैं और अभी वो इसी साइड से आया, ठीक है, ये बनिहाल से आया है, बनिहाल से पूरी तरह से ये डीजल की मदद से अभी पहुंचा है। फिलहाल इलेक्ट्रिक वायर जो है इसकी, इसमें फ़िलहाल करंट नहीं दी गई है अभी, और जल्दी ये सभी कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंपनीज़ ने बहुत ही जल्द इसको कम्प्लीट किया है। तो ठीक है, खड़ी रेलवे स्टेशन का आता है ब्रिज, ये आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। और इसके आगे आती है टनल, ये जो आपको सामने दिखाई देगी, आगे बहुत ही ज़्यादा दूरी है। ये आपको छोटे छोटे पेयर्स ऐसे दिखते होंगे पर ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, लगभग 800 मीटर 900 मीटर 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। यहाँ से नीचे देखेंगे आपको बहुत ही बड़ा गहरा नाला दिखेगा और यहाँ से दिखाते हैं अभी आपको, ये देखिए तो आप सभी को बता दूं कि रेलवे ट्रैक पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर दिसंबर महीने तक यानी कि नेक्स्ट मंथ तक पूरी तरह से आपको रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि पहले से ही इसकी डेडलाइन रखी गई थी, जो आप सभी के लिए ज़रूरी जानकारी है। साथ ही आप सभी को यहाँ पर दिखा दें कि ये देखिए ब्रिजेस पर फुटपाथ भी रखा गया है, इस साइड से भी रखा गया है, इसके बाद इस साइड से भी रखा गया है। बीच से तो फुटपाथ नहीं है, ये ऐसे ही रेलवे ट्रैक है अभी हम जिससे जा रहे हैं, पर इसको भी आप फुटपाथ कह सकते हैं। बहुत ही बड़ा गर्डर्स का ब्रिज है ये, जो एक नदी के ऊपर बनाया गया है
और क्या ही बताऊँ, सच बोलूँ तो यहाँ से नीचे देखने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि पूछो मत। बहुत ही गहरी खाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके आगे का टनल है और यहाँ से ले लेंगे हम रिटर्न। इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हम आपको उस साइड जाकर दिखाते हैं उस वाली साइड में किस तरह का काम चल रहा है। ये तो पूरी कंप्लीट है इस साइड वाली। तो ये है खड़ी रेलवे स्टेशन। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई यहाँ पर लिखी हुई है 1560 मीटर। और इसके बाद ये आगे जो रेलवे स्टेशन है वो आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक ही रहेगा। ये रहेगी माइक आप सभी के लिए, यात्रीगण कृपा ध्यान दें। ये रहेगा प्रवेश द्वार, यहाँ से आप ले सकेंगे अपनी टिकट जिससे कि आप अपनी यात्रा कर पाएंगे। अभी हम रेलवे स्टेशन से ठीक आगे जम्मू वाली साइड में आ गए हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ट्रैक पूरी तरह से तैयार है। सुंबल रेलवे स्टेशन से बनिहाल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है और आप सभी को सुंबल से आगे का जो सेक्शन है कटरा तक का, उसमें आपको 61 किलोमीटर का ट्रैक मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो दिसंबर तक इस सेक्शन को आधा कवर कर लिया जाएगा, यानी कि कटरा बनिहाल सेक्शन को आधा कवर कर लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन अभी पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों से। और अभी जिस मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, ये दिसंबर तक पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा, जो यानी कि 50 किलोमीटर के रेंज में आता है। और यहाँ से आगे जो सुंबड़ है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में आता है और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना सेक्शन, यही है वो जिस पर लगभग 50 किलोमीटर के रेंज में वो ट्रेन रन करेगी। यहाँ से टनल की आउटसाइड लुक देख दीजिए एक बार, ये है टनल की आउटसाइड लुक। तो यहाँ पर आपको डबल पटरी वाला ट्रैक दिखाई दे रहा होगा। आप सबको बता दें 500 मीटर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर जाकर एक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक ही सिंगल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रेलवे जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पर रेलगाड़ी को जो रुकने की कमी है उसके खातिर टनल्स में ही ज़्यादातर रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा कमी है। और इसके चलते इंजीनियर्स ने, कंपनीज़ ने इतना एडवांस किया है कि टनल ही अंदर ट्रेन रुक सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से हो चुकी है जो आपके सामने है। तो टनल में ख़ास ध्यान पोल्यूशन का भी रखा गया है, बड़े बड़े एग्जॉस्ट रखे गए हैं ताकि टनल पूरी तरह से प्योर रहे अपने वातावरण में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डंपर को ही रेलगाड़ी के जैसा बना दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर सामान जो है जल्द तक आगे जो वर्कर्स हैं उन तक पहुँचाया जाए। तो देखिए, आप सभी को ज़रूरी जानकारी बता दूं कि यहाँ तक जो ट्रेन है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये रेलगाड़ी आखिर कब तक पहुँचेगी। तो देखिए, इंजन का सफलतापूर्वक ट्रायल जो है वो खड़ी तक चलाया गया है, लगभग ये एक महीने तक चलाया जा सकता है जहाँ तक मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लगता है कि दिसंबर एंडिंग तक यहाँ पर आपको ट्रेन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन जो दौड़ेगी यहाँ पर वो दिसंबर तक दौड़ेगी। और अभी इंजन जो अभी मैंने आपको दिखाया वीडियो की मदद से, वो जिस तरह से आप सभी ने देखा होगा कि पहुंच चुका है यहाँ पर पूरी तरह से। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके आगे जो सुंबड़ है वो आप सबको एक और नई वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सुंबड़ से कटरा की दूरी, जो कटरा रेलवे स्टेशन है वहाँ से 61 किलोमीटर्स की है, उसका भी अपडेट दूंगा कि वहाँ पर कितना भी बचा हुआ है पेंडिंग में वर्क। इसके आगे का देख लीजिए आप व्यू,
यहाँ तक तो मुझे लगता है दिसंबर के एंडिंग तक आराम से ट्रेन आएगी, बहुत ही आराम से आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये आप जो पटरी देख रहे हैं ये पूरी तरह से कंप्लीट है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट है, इसके बाद आगे भी पूरा का जो दिख रहा है वो कंप्लीट है। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।